प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अमले के साथ वोटिंग के शुरू होने से 2 घंटे कबल पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और तमाम इंतजामात का एक बार फिर जायजा लें। बड़ा सब्ज थैला खोलें और इनवॉइस के मुताबिक इलेक्शन मटेरियल चेक करके सामान और स्टेशनरी हिदायत के मुताबिक अमले में तकसीम करें। याद रहे कि बैलेट पेपरों वाले छोटे सफेद और हल्के सब्ज थैले पोलिंग के आगाज के वक्त पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोलें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का अमला अपने अपने कार्ड्स और बैजेस लगाएं। पोलिंग बूथ्स पर जनाना या मर्दाना के कार्ड्स लगाएं और हर पोलिंग बूथ में कौमी और सूबाई असेंबली के बैलेट बॉक्स रखें। वोटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशंस में दाखिले की इजाजत सिर्फ वोटर्स, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स, उम्मीदवारान, मजाज मुबस्सरीन और रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन के इजाजत नामे के हामिल अफराद को है। ताहम माजूर वोटर्स की मदद के लिए एक शख्स साथ अंदर आ सकता है। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग अमले में सामान और स्टेशनरी तकसीम करें। इंतखाबी फहरिस्त की तकसीम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पैकिंग इनवॉइस यानी फॉर्म 36 में दी गई मालूमात के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्त को इस तरीके से तकसीम करें। मर्दों और ख्वातीन की फहरिस्त को बूथ के मुताबिक तकसीम करें। फहरिस्त के किसी सफ़े को 2 हिस्सों में ना फाड़ें। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन में अगर सिर्फ 2 बूथ हैं तो 1 मर्द और 1 ख्वातीन का होगा, लिहाजा इंतखाबी फहरिस्त में मर्द और ख्वातीन के हिस्से को अलहदा अलहदा कर दें। 3 बूथ्स वाले पोलिंग स्टेशंस में 2 बूथ्स मर्दों और 1 बूथ ख्वातीन के लिए होगा, लिहाजा इंतखाबी फहरिस्त को इसके मुताबिक तकसीम करें। कोशिश करें कि मर्द वोटर्स का मुतल्लिका हिस्सा 2 मुसावी हिस्सों में तकसीम हो। पोलिंग स्टेशन पर 4 बूथ्स की सूरत में मर्दों और ख्वातीन में 2-2 बूथ्स तकसीम होंगे, लिहाजा मर्दों और ख्वातीन वोटर्स की तादाद 2 बराबर-बराबर हिस्सों में तकसीम करें। पोलिंग स्टेशन 1 से ज्यादा शुमारियाती ब्लॉक्स पर मुश्तमिल हो तो यही तरीका हर ब्लॉक के लिए इख्तियार करें। ये तरीकाकार कौमी और सूबाई असेंबली दोनों की इंतखाबी फहरिस्तों की तकसीम के लिए इख्तियार किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की तकसीम। बैलेट पेपर्स वाले बंद थैले पोलिंग के मुकर्रर वक्त पर उम्मीदवारान या इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सरीन के सामने खोलें। इन सब की अदम मौजूदगी की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अमले के सामने थैले खोलकर इंतखाबी अमल का आगाज कर दें। ताहम इंतखाबी अमले से बयान पर दस्तखत ले लें कि बंद थैलों की सील उनके सामने खोली गई है। कौमी असेंबली के सब्ज बैलेट पेपर्स और सूबाई असेंबली के सफेद बैलेट पेपर्स के इब्तदाई और आखिरी सीरियल नंबर्स पैकिंग इनवॉइस यानी फॉर्म 36 के मुताबिक चेक कर लें। एहतियातन हर बैलेट पेपर बुक का सीरियल नंबर भी नोट करें और बुक के सफ़ों का सीरियल नंबर गिन लें। इस बात का ख्याल रहे कि किसी भी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक वक्त में सिर्फ 1 ही बैलेट पेपर बुक जारी की जाए। खाली बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन में मौजूद उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सरीन को दिखाकर सील नंबर नोट करवाकर बैलेट बॉक्स को सील कर दें और इस अमल की तस्दीक मौजूद अफराद से फॉर्म 42 पर करा लें। बैलेट बॉक्स भर जाने की सूरत में या पोलिंग खत्म होने पर ढक्कन पर चटखनियां मिलाकर ढक्कन पर मौजूद दर्ज बंद कर दें और दोनों चटखनियों के अंदर से एक और सील गुजार दें। इस सील का नंबर भी पोलिंग एजेंट्स को नोट करवा दें। बैलेट बॉक्स खोलने के लिए सील टैग तोड़ दें। ताहम इस अमल से पहले पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग पर मौजूद मजाज अफराद को सील नंबर चेक करवा दें। याद रहे कि बैलेट बॉक्स खोलने का अमल सिर्फ पोलिंग के इख्तिताम और वोटों की गिनती से पहले ही अमल में लाया जाएगा। वोटिंग का अमल, पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स के दाखिल होने पर पोलिंग ऑफिसर उसके दाएं अंगूठे के नाखून के जोड़ पर अनमिट स्याही का निशान चेक करे। इसके बाद वोटर का असल शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए और कवायफ को इंतखाबी फहरिस्त से मिला लें। याद रहे कि जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद भी वोट डाल सकते हैं। ताहम शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी या कोई भी दीगर दस्तावेज वोट डालने के लिए काबिले कबूल नहीं है। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद इंतखाबी फहरिस्त में वोटर का नाम और सिलसिला नंबर बुलंद आवाज में पुकारे। इसके बाद वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाएं और इंतखाबी फहरिस्त में वोटर की तस्वीर के सामने उसके अंगूठे का निशान सब्त करवाएं। मर्द वोटर से बाएं और खातून वोटर से दाएं अंगूठे का निशान लगवाया जाए। इसके बाद वोटर का नाम इंतखाबी फहरिस्त में सीधी लकीर लगाकर काट दें। वाजह रहे कि ये अमल कौमी और सूबाई दोनों हलकों की इंतखाबी फहरिस्त में किया जाएगा। वोटिंग का अमल, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी।
पहला असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असेंबली के लिए बैलेट पेपर के काउंटर फॉइल को पुर करने के बाद मर्द वोटर के बाएं और खातून वोटर के दाएं अंगूठे का निशान लगवाए, काउंटर फॉइल पर सरकारी मोहर लगाकर दस्तखत करें। इसके बाद बैलेट पेपर्स अलग करके उसकी पुश्त पर सरकारी मोहर लगाए और अपने दस्तखत करें और बैलेट पेपर वोटर के हवाले करके उसे दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ भेज दे। दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर जारी करने के लिए यही अमल दोहराए। साथ ही दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर को बैलेट पेपर तय करने का तरीका बताए और 9 खानों वाली मोहर देकर वोटिंग स्क्रीन की तरफ भेज दे, जहां वोटर राजदारी से अपना हक रायदही इस्तेमाल करे और बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालकर बाहर चला जाए। आम वोट के अलावा वोट की 3 इकसाम हैं, टेंडर्ड वोट, चैलेंज्ड वोट, स्ट्रे या जायाशुदा यानी स्पॉइल्ड बैलेट पेपर। टेंडर्ड वोट, अगर कोई वोटर वोट डालने के लिए आए और उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो लेकिन वोटर लिस्ट में से उसका नाम कटा हुआ हो, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर की शनाख्त की तसल्ली करे और उसे टेंडर्ड वोट की इजाजत दे। मुतमईन ना होने की सूरत में इम्पर्सनेशन की मुतल्लिका दफा के तहत मुतल्लिका वोटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। टेंडर्ड वोट की इजाजत देने से पहले वोटर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली जाए। टेंडर्ड वोट के लिए कौमी और सूबाई असेंबली के अलहदा अलहदा बैलेट पेपर जारी किए जाएं और उन्हें टेंडर्ड बैलेट पेपर के लफाफे पैकेट नंबर 4 में डालकर अपने पास महफूज कर लें। टेंडर्ड बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में ना डाला जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर टेंडर्ड वोट लिस्ट फॉर्म 43 की कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए अलग अलग कॉपियां तैयार करें। इस फॉर्म पर वोटर के मुतल्लिक मालूमात दर्ज करें और उसके दस्तखत पर अंगूठे का निशान लगवाए। इसके बाद वोटर को बाहर जाने की इजाजत दे। टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की अलग से गिनती की जाए और फिर उन्हें कुल गिनती में शामिल किया जाए। टेंडर्ड वोट लिस्ट फॉर्म 43 वोटर के कौमी शनाख्ती कार्ड की नकूल पैकेट 14 में डालकर रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाए। चैलेंज्ड वोट, उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट किसी भी ऐसे शख्स के वोट को चैलेंज करने का हक रखते हैं जिसके बारे में उन्हें यकीन हो कि वोटर पहले वोट डाल चुका या चुकी है या वो किसी और वोटर की जगह आया या आई है। वोट चैलेंज करने वाले को बताया जाए कि बवक्ते जरूरत उन्हें ये इल्जाम अदालत में साबित करना पड़ेगा। साथ ही उससे 100 रुपया फीस वसूल की जाए और हाथ से लिखी हुई रसीद दी जाए। पोलिंग के बाद ये तमाम रकम रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले की जाए। ताहम वोटर को मामूल की कार्रवाई से गुजारें। चैलेंज्ड बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में ना डाला जाए। चैलेंज्ड बैलेट पेपर को पैकेट 7 में रखें। उनकी फहरिस्त फॉर्म 44 की सूबाई और कौमी असेंबली के लिए अलग अलग कॉपियों पर वोटर के कवायफ दर्ज करें और उस पर उसके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगवाएं। स्ट्रे और जायाशुदा यानी स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स, अगर कोई जारी करदा बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर पड़ा हुआ मिले तो उसे स्ट्रे या जायाशुदा बैलेट पेपर शुमार किया जाएगा। अगर किसी बैलेट पेपर पर गलती से निशान लग जाए या फट जाए या वो इस तरह मस्क हो जाए कि काबिले इस्तेमाल ना रहे तो उसे स्पॉइल्ड बैलेट पेपर शुमार किया जाए। स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स की पुश्त पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैंसल्ड लिखें। काउंटर फॉइल पर दस्तखत किए हुए बैलेट पेपर्स पर कैंसल्ड लिखें और जायाशुदा बैलेट पेपर को पैकेट 10 में डाल दें।